तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। आज हम लोग करने वाले हैं एनपीयू एंड रांची यूनिवर्सिटी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सिलेबस भी देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए एक अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ सर, सरी निगाह देख लीजिए, इतना अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले सिलेबस देखते हैं कि क्या पढ़ना है, उसके बाद जानेंगे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब, ठीक है, और क्वेश्चन का फॉर्मेट भी। तो देखिए स्पेशली नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी एंड रांची यूनिवर्सिटी, इन दोनों का है। ये रहा रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस, यहाँ पे देख लीजिए, इसमें आपका लिखा गया अर्लियर इंडिया, ठीक है, अर्ली इंडिया, और इसमें भी आपका एनपीयू का भी सेम है एकदम 100%, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, इसका भी लिखा है अर्ली इंडिया, ठीक है, मतलब प्रारंभिक काल से लेकर के 550 ईस्वी तक का इतिहास। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, पहला है आपका सोर्स, ठीक है, यानी कि स्रोत, हिस्टोरियोग्राफी एंड आपका है प्रागैतिहासिक काल का भारत, ठीक है, पाषाण काल, इन सब को जानना है, मौर्य काल, आर्य, इन जितना भी है आपका 550 तक सब कुछ, ठीक है। तो चलिए उसी को देखते हुए मैंने पूरा का पूरा यह पेपर बनाया है, और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको 15, डेफिनेटली यहाँ से सब क्वेश्चन मैच कर जाएंगे आपके, ठीक है। और इतना मैच मतलब सब मैच नहीं करेगा तो कम से कम 6 तो मैच करेगा, और आपको 6 काफ़ी है बनाने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, इससे बाहर मुझे नहीं लगता है अब एग्जामिनर बहुत ज़्यादा कोशिश करे, फिर भी आपके कितना भी कोशिश कर ले 6 क्वेश्चन ज़रूर मैच करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन किसा आएगा थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पेपर 100 मार्क्स का है, जिसमें से 25 नंबर आपका इंटरनल और 75 नंबर का एक्सटर्नल होता है, ठीक है, दोनों मिला के आपको 40 नंबर लाना होता है पास करने के लिए, मालूम है ना, बार बार बता रहा हूँ। 5 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स वाले, ठीक है, 5 मार्क्स वाले आएंगे 2 क्वेश्चन, ये हो जाएगा ग्रुप ए जो कि 15 मार्क्स का होगा, और ग्रुप बी में आपके 15 मार्क्स वाले टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, मतलब 6 क्वेश्चन होंगे जिसमें से किसी 4 को बनाना होगा, ये आपका 60 मार्क्स का, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन, नोट करते जाइएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, और उससे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं यार ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, देखिए मैं लिख लिख के थक गया, अब सोच रहा हूँ कि अब टाइप करके दूंगा, ठीक है, क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, हाँ लेकिन प्रैक्टिस होता है मेरा भाई, वही होता है, अपना भी एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाता है। साम्राज्य एक में है, दूसरा में संस्थापक, और तीसरा है सबसे महान राजा या सबसे महान शासक कौन थे, मौर्य साम्राज्य, ठीक है, भारत का प्रथम साम्राज्य मौर्य साम्राज्य है, और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे दोस्तों, मतलब मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चाणक्य की सहायता से, ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य भारत के प्रथम राजा भी थे। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के सबसे महान राजा कौन थे, तो सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के सबसे महान राजा थे, ठीक है। थोड़ा सा मैं मौर्य साम्राज्य के बारे में बता देता हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य में सबसे पहले इसका पुत्र हुआ बिंदुसार, कौन हुआ, बिंदुसार, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, और बिंदुसार का फिर पुत्र हो गया अशोक, और अब बोलिएगा अशोक का पुत्र कौन हुआ, तो फिर तो अशोक का बेटा था महेंद्र और संगमित्रा, जो कि राजा नहीं बने, बौद्ध धर्म को अपना लिए, और इन्हीं दो महेंद्र और संगमित्रा को दोनों को कहाँ भेजा गया था, श्रीलंका, बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए, ठीक है। अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था 261 ईस्वी पूर्व में, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कुषाण साम्राज्य, कुषाण साम्राज्य की स्थापना कुजुल कडफिसस ने की थी, ठीक है, और कुषाण साम्राज्य का सबसे महान राजा था कनिष्क, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं सातवाहन, दोस्तों सातवाहन का सबसे महान राजा था सिमुक, कौन था, सिमुक, सॉरी स्थापना किया था सिमुक ने, और सबसे महान राजा था गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। एक क्वेश्चन यहाँ पे यह भी आता है कि किस वंश ने अपने नाम से पहले अपने माता का नाम प्रयोग किया, तो देखिए सातवाहन वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवाहन वंश जो थे अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम लिखते थे, जैसे श्री सातकर्णी जो है इनका नाम है राजा का, और ये अपने से पहले अपनी माँ का नाम लिखे हैं गौतमी, ठीक है, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, मेरा एक दोस्त है गौतम, मैं उसको बोलता हूँ गौतमी पुत्र। आगे देख ले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है गुप्त वंश, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, तो श्री गुप्त ने की, किसने, श्री गुप्त, और गुप्त वंश का सबसे महान राजा कौन था, समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है, किसको, समुद्रगुप्त को, और समुद्रगुप्त की एक बहुत फेमस पुस्तक है प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, जिसको किसने लिखा है, हरिसेन ने, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा।
नेक्स्ट है यहाँ पे संगम साहित्य में व्यापारियों को क्या कहा जाता था, ये क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स का, तो वेनिगर कहा जाता था। नेक्स्ट है संगम साहित्य को किस भाषा में लिखा गया है, तो दोस्तों संगम साहित्य जो है तमिल भाषा में जितना भी साहित्य लिखा गया है उसी को संगम साहित्य कहते हैं, तो तमिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको मालूम है तमिल जो है ना कहीं कहीं पे ये भी उल्लेख मिलता है कि संस्कृत से भी सबसे ज़्यादा पुराना है, लेकिन मैक्सिमम ग्रंथ में ये है कि तमिल और संस्कृत दोनों ही बहुत पुराने हैं। ठीक है, अब कौन सबसे ज़्यादा पुराना है यह बात एक बहस की हो जाती है, कहीं कहीं पर तमिल जीत जाता है। ठीक है यार, गौतम बुद्ध का जन्म याद रख लीजिएगा, जिसने बौद्ध धर्म की स्थापना की, गौतम बुद्ध 623 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। महावीर स्वामी जिसने जैन धर्म के वास्तविक तीर्थांकर माने जाते हैं, वैसे तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थांकर थे कौन, ऋषभदेव, लेकिन महावीर को अंतिम यानी कि 24वां तीर्थांकर माना जाता है और इनका जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, अगला है आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था, तो देखिए मध्य एशिया में सप्त सैंधव प्रदेश था, वहाँ इनका मूल स्थान था। ठीक है, 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन हैं, तो ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ, इतना ही काफ़ी है। डेफिनेटली यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन तो भिड़ ही जाएंगे, और लक अच्छा रहा है तो 5 का 5 भिड़ जाएगा। अब चलिए लॉन्ग आंसर टाइप में करते हैं, और इसका मैं बताऊँगा कि आपको आंसर कैसे करना है, कितने वर्ड्स में करना है। ठीक है, तो देखिए जो आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएगा उसका आंसर करना है आपको 100 से 200 शब्दों में। ठीक है, और जो 15 मार्क्स के रहेंगे इसका आंसर कीजिएगा आप लोग 400 से 500 शब्दों में। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं ऐतिहासिक रुझान की चर्चा करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन, ये सभी का मैं PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। क्वेश्चन है प्राग ऐतिहासिक काल से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और फिर इसमें जानना है कि प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, जिसमें ताम्रपाषाण काल, ठीक है, जितना भी काल है आपका, अरे भाई जाओ ना यार, काहे वरुण मर रहा है इतना, इनकी विशेषताएं एवं अंतर बताइए। ठीक है, बहुत सारे जितने भी काल में बांटा गया, ताम्रपाषाण काल हो गया, पुरापाषाण काल हो गया, मध्यपाषाण काल, सब काल को जान लेना है, जितना भी पाषाण काल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे सिंधु सरस्वती सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच संबंधों में बहस के प्रमुख बिंदु क्या हैं। ठीक है, ये जान लेना है आपको। नेक्स्ट है सिंधु सरस्वती सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए एवं इनका पतन क्यों हुआ, कारणों को भी स्पष्ट करें। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था तथा आर्यों के मध्य एशिया से भारत आक्रमण का वर्णन करें। ठीक है, कहीं कहीं आगमन भी लिखा रहेगा, कहीं कहीं आक्रमण भी लिखा रहेगा। अगला है हमारा वैदिक संस्कृति से आप क्या समझते हैं, आरंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था तथा समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं ये बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इतिहास में काल विभाजन और नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है तथा महाकाव्य। ठीक है, जितने भी महाकाव्य हैं जैसे कि आपका वेद हो गए, पुराण हो गए, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, ठीक है, इन महाकाव्यों का काल निर्धारण करें कि कौन सा ग्रंथ कब लिखा गया। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य के उदय के कारणों तथा शासन की वर्णन करें। ठीक है, मगध साम्राज्य दोस्तों, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि प्राचीन काल में कितने महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद थे, जिसमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा गया है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक क्रांति के कारणों को बताइए, विशेष रूप से जैन तथा बौद्ध धर्म के संदर्भ में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की तथा मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अशोक के धम्म की चर्चा कीजिए तथा अशोक मौर्य के पतन का कारण क्या है, मतलब मौर्य वंश का साम्राज्य का पतन क्यों हो गया, समाप्त कैसे हो गया मौर्य साम्राज्य। तो जब अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा, ठीक है, राजा खारवेल कलिंग देश के साथ, तब जो है बहुत बड़े मात्रा में आदमियों की हत्या हो गई, जिसके अशोक का हृदय जो है पिघल गया और अशोक ने बोल दिया कि आज के बाद लड़ाई झगड़ा बंद भाई, ठीक है, मेरे काल तक कम से कम मेरे जीवित रहते हुए तो कोई लड़ाई झगड़ा करेगा नहीं, बस वहीं से समाप्त हो गया। और अशोक का बेटा और बेटी
उन लोग राजा नहीं बना, मतलब बना भी तो फिर उतना लोकप्रिय नहीं हो पाया, ठीक, और धीरे धीरे समाप्त हो गया। मेन रीजन है अशोक का हृदय परिवर्तन और अशोक का धम्म, ठीक है। नेक्स्ट है संगम साहित्य से आप क्या समझते हैं, संगम साहित्य के संस्कृति तथा विदेशी व्यापार के बारे में बताइए। अगला है हमारा गुप्त काल के दौरान, गुप्त काल के दौरान विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास तथा वास्तु कला का भी वर्णन करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गुप्त वंश की स्थापना किसने की, तो किसने की है, श्रीगुप्त ने। प्रशासन, गुप्त वंश का प्रशासन तथा सबसे महान शासक कौन थे, ठीक है। गुप्त शासन का पतन कैसे हो गया ये भी जानना है, और गुप्त वंश सॉरी गुप्त काल को जो है भारत का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है, भारत इतिहास का स्वर्णिम युग किसे कहा जाता है, गुप्त काल को कहा जाता है, इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये आपके कुछ शॉर्ट नोट्स हैं जो कि 5 मार्क्स के आ सकते हैं, ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है। आर्य सभ्यता, इतिहास के जानने के स्रोत, कुषाण वंश, सातवाहन वंश, शक कौन थे, गुप्त काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, संगम साहित्य, पाषाण युग, ये सारे, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने टोटल आपके 14 क्वेश्चन दिए हैं, और आपके एग्जाम में टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 15 मार्क्स वाले टोटल आएंगे 6 क्वेश्चन, ठीक है, और 5 मार्क्स वाले टोटल आएंगे 2 क्वेश्चन, कुल मिला के 8 क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग आंसर टाइप में, जिसमें से पक्का आपका यहाँ से 6 क्वेश्चन भेट जाएगा, ठीक है, और आपको 6 क्वेश्चन बनाना ही है यार। और अगर आप इतना बना लेते हैं दोस्तों, देखिए मैं कितना घंटा का मैटर दिया हूँ, अगर आप सभी क्वेश्चन को एक घंटा में, एक क्वेश्चन को आंसर करने में आपको 20 मिनट लगना चाहिए, 20 मिनट यानी कि 3 क्वेश्चन आप एक घंटा में कर लीजिएगा, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन मैं मानता हूँ, तो कितने हुए, 5 से 6 घंटा का जो है आपका टाइम लगेगा ये सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब देखिए जितना भी क्वेश्चन है इन सब पे ज़्यादा नहीं, आपको घर में 2-2 पेज लिखना है, कितना लिखना है, 2-2 पेज का एक छोटा छोटा नोट बनाना है, मतलब एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड, बस इतना ही, इतना बनाइए नोट खुद से, इन सभी का आंसर आप गूगल से सर्च मारिए और खुद से लिखिए, ठीक है। अगर आपके पास गैस पेपर है तो गैस पेपर से लिख लीजिए, जहाँ से हो लिख लीजिए, और छोटा सा नोट बनाइए अपनी कॉपी में, 15 क्वेश्चन है मतलब 8 पेज का नोट्स बन जाएगा आपके पास, ठीक है, 8-9-10 पेज का, उससे ज़्यादा पेज का नोट्स नहीं बनाइए, ठीक है, 10 पेज का, और उसको जो है पढ़ के एग्जाम वाले दिन आपको जाना है। और डेफिनेटली अगर आप इतना कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं बस इतना ही यार, ठीक है, तो आप पक्का, मैं बोल रहा हूँ एक भी क्वेश्चन आप छोड़िए नहीं, ठीक है, एक को क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। देखिए अभी तक मैं नहाया नहीं हूँ यार, 2:30 बज गया है, ठीक है, अपना काम, फिर आपका वीडियो, फिर अपना पढ़ाई, फिर आपका, ठीक है, चलिए जो भी है बैलेंस होकर चला रहा हूँ, थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए। और इसका PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, एंड नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जो भी है आपका IRC लाने का कोशिश करूँगा। कमेंट ज़्यादा मत करना यार, मुझे आंसर करने में दिक्कत होता है, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। एंड शाम को कोशिश करूँगा CC पेपर लाने का, एक इंग्लिश का या मैथ का।